हमीरपुर में जैसा हम सबको पता है कि पिछले कई हफ्तों से जो है केसेस, जो सेकेंड वेव के केसेस हैं, वो काफ़ी तेज़ी से जो है हमारे ज़िले में आ रहे हैं, और इसके चलते हम सभी को बहुत ज़्यादा और जागरूक और सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार जो है विभिन्न विभागों से और हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज, पुलिस, बाकी सभी विभागों के साथ संपर्क में हैं, ताकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है कोविड को टैकल करने की, वो बिल्कुल तत्परता से जो है वो चलती रहे। और इसी के चलते सबसे ज़रूरी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि कोई भी अगर पॉजिटिव व्यक्ति का नॉलेज हमें आता है, उसी के साथ साथ वो पिछले 4-5 दिनों के अंदर किन लोगों के साथ जो है उन्होंने खाना खाया है, रहे हैं, मिले हैं, इसकी जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उन सभी लोगों को ट्रेस किया जाए और उनको आइसोलेट करके उनकी टेस्टिंग की जाए, ताकि ये जो है इसका चेन जो कोविड का है वो ब्रेक हो सके। हमने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो है पंचायती राज विभाग, जो हमारे विलेज लेवल की आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स की टीम है, और साथ साथ में पुलिस विभाग को भी इसमें साथ में सामंजस्य से काम करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं, और वो इस बारे में जो है काफी तत्परता से काम कर रहे हैं। तो हम कई बार जो है हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कई बार खुद जो खुद पॉजिटिव आए होते हैं, वो सही से सूचना नहीं दे पाते, ये याद नहीं कर पाते, या डरते हैं, इसीलिए सही से नाम नहीं बताते उन लोगों का जिनके संपर्क में वो आए हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि इस प्रक्रिया में बिल्कुल झिझक या डर जो है उसको ना रखें। ये आपके और आपके साथी, आपके परिवार और आपके दोस्त जिनसे आप मिलते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उन सभी के भलाई में है कि यदि आप के या उन किसी के और के माध्यम से वो संक्रमित हों, तो उनकी जांच जो है समय पे हो जाए, ताकि और ये ना बढ़ पाए। और इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए अगर हम अच्छे से इस कार्य को करेंगे, तो हम जरूर जो है कोविड के इस चेन को ब्रेक करने में काफी हद तक जो है सक्सेस हासिल कर पाएंगे।